अब एक बार फिर वर्कर वेलफेयर फंड को बाकी सतह से खत्म करके सूबे की सतह पर WWF का कयाम अमल में लाया जा रहा है। 12,94,96,96,00,000 रुपए वहां बंदे, तो पुरुषार्थ कंपनी कहां से लाए? एक वर्कर UBI में रजिस्टर भी है। जब इनका महीने का खर्चा जो है सिर्फ मुलाजमीन के तनख्वाहें और दीगर चीजें जो है वो 8 से 10 करोड़ है। DRA ने बड़े सनती इदारों की कंट्रीब्यूशन जो कि सूबे से बाहर जमा हो रहे हैं इनके रेवेन्यू को सूबों में लाने में नाकाम रहे हैं। अब एक बार फिर वर्कर वेलफेयर फंड को बाकी सतह से खत्म करके सूबे की सतह पर WWF का कयाम अमल में लाया जा रहा है और गवर्निंग बॉडी भी इसकी तश्कील दी जा चुकी है, जिससे बलूचिस्तान के सनती व कंपनी से वाबस्ता मेरठकश तबका और बोर्ड के मुलाजमीन शदीद मुतासिर होंगे, क्योंकि सिर्फ बोर्ड का माहाना अखराजात जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहें वर्कर स्कूल के अखराजात वगैरह माहाना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं, जबकि सनती व कंपनी के मृतकशों के डेथ ग्रांट कीमत में जो 8 लाख रुपए फी बंदे को मिलता है, मैरिज ग्रांट कीमत में 4 लाख, तालीमी वजारत के तमाम अखराजात, हज की मुफ्त सहूलियात, रिहायशी सहूलियात, लेबर डिस्पेंसरीज वगैरह के अखराजात इसके अलावा है जो कि सालाना 1 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं, जबकि बलूचिस्तान में माइंस के हादसा तवातर से होते हैं और सालाना 200 के करीब मृतकश अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। रवा साल भी ये 2024 का रवा साल में भी माइंस में पेश आने वाले ऐसे हादसा दी हुए हैं जिसमें एक हादसे में 12 मृतकश शहीद हुए हैं और रवा साल अब तक 50 के करीब मृतकश मुख्तलिफ हादसा में शहीद हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानी BRA बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी अब तक सिर्फ चंद करोड़ रुपए ही जमा कर चुकी है। इस सूरतयाल में वर्कर फंड को सूबे के हवाले करना ना सिर्फ इदारे के मुलाजमी के साथ नाइंसाफी है बल्कि सनती व कामकुनी से वाबस्ता मृतकशों के साथ बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफी होगी कि इदारा ना अपने मुलाजमी को तनख्वाही दे सकेगा और ना ही मृतकशों को मिलने वाली मस्कुरा वाला बरात दिला सकेगा। साफ ही भाइयों, अगर इस फैसले पर नजरसानी करके रोका नहीं गया तो मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के लिए हमेशा सड़कों पर और मेहनतकश और इसके लेबर तंजीमें डेथ ग्रांट और मस्कुरा वाला बरात के लिए हड़तालों और धरनों पर मजबूर होगी। लिहाजा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि EUBI की तरह बलूचिस्तान और खैबर पश्तूनख्वा असेंबलियों की करारों पर अमल करते हुए वर्कर वेलफेयर फंड को वफाकी सब्जेक्ट करार दिया जाए और पुराने सेटअप को बरकरार रखा जाए। जब तक सूबा बलूचिस्तान या सूबा मुलाजमीन और सनती नुमाइंद मृतकशों के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के हवाले से मजबूत मैकेनिज्म तैयार नहीं होता। मतलब मुख्तसरन ये अगर उसको खुलासा बयान करूँ कि ये दो इदारे हैं जो लेबर से रिलेटेड है, एक उन्होंने हमारी असम्बली के करारदाद और खैबर असम्बली के करारदाद के मुताबिक वफाक में रख लिया लेकिन अब इसको ले सूबे में लिया ला रहे हैं। अब ये सिर्फ वो अभी हम जब पूछा BRA वालों से जो रेवेन्यू आता है उसके लिए कह रहे कि हमने कई सालों में सिर्फ 8 करोड़ रुपये जमा किए, जब इनका महीने का खर्चा जो है सिर्फ मुलाजमीन के तनख्वाहें और दीगर चीज़ें जो है वो 8 से 10 करोड़ है। फिर जो मजदूरों को मरात मिलती है डेथ ग्रांट की शक्ल में हो या जेस फंड में हो या लेबर कॉलोनी आप देख रहे हो वो अरबों रुपए है, तो ये बड़ा मसला बन जाएगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास ना पैसे हैं, वो इस वजह से भी कि हमारे जितने भी बलूचिस्तान की ये नहीं कि हमारे पास इदारे नहीं है, हमारे पास जितने भी इदारे जैसे रिकॉर्डिंग है, सेंदक है, हफ्को है, OGBCL हमारे हैं, SUGS वाले हैं, ये मर्द वाकई है, अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके जितने भी फंड जमा होते हैं बलूचिस्तान में नहीं हो रहे वो इस्लामाबाद में, तो या तो उनको ही कर ले फिर तो ठीक है, पर तो वर्कर सही हो जाए, अगर वो नहीं तो तब तक उनको वही रखा जाए। शुक्रिया। अगर साथी कोई सवाल हो तो अगर हम डेटा मुख्तलिफ लेबर तंजीमें खुद डेटा इकट्ठा करती है, ऐसे लेबर डिपार्टमेंट से कोई कंप्लीट डेटा नहीं है ना माइंड डिपार्टमेंट के साथ इसका कंप्लीट डेटा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई 1.5 लाख के आसपास जो है वो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और कोई 1 से 1.5 लाख जो है वो सरफेस पे काम करते हैं, तो 2.5 से 3 लाख वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन ये भी एक आपको बताता चलूं कि EUBI में अब तक सिर्फ 8,000 वर्कर रजिस्टर है। एक इसी के साथ बलूचिस्तान के जितनी भी कल हमारी बात हुई थी NPA हिदायत रहमान साहब से, फिशरीज हमारा मुकम्मल UBI से वहाँ रजिस्टर नहीं, हमारा वर्कर हमारा बटा किश्त वर्कर एक भी वर्कर रजिस्टर नहीं है, हमारा जैसे ये कुरुम के एक भी नहीं, हमारा पूरा चार्ली बेल्ट जो है उसी के साथ आपका खुजदार ये हमारा नाल बहुत बड़ी सिटी है मार्बल के हवाले से सफेद मार्बल आपको कराची है, एक वर्कर UBI में रजिस्टर नहीं है, तो ये भी एक बड़ी मुसीबत है। वजह क्या है कि रजिस्टर नहीं करते मजदूर?
मुझे तो ये है कि शायद हुकूमत जो है वो उसकी तरजियात कुछ और है। वो तरजियात यही है जैसे आप देख रहे हो कि मुझे कितनी स्कीमें मिलेंगी, आपको कितनी स्कीमें मिलेंगी। वो तो हुकूमत तो हुकूमत चला नहीं रहे बल्कि वो टेक्नोलॉजी सिस्टम शुरू है ना, उस आप ही कहते हैं ना कि ऑक्शन हुआ है, तो ऑक्शन ही वाला सिलसिले चल रहा है ना कि वो तो असेंबली के अंदर अब सियासतदान कम और ठेकेदार ज्यादा बैठ गए। एक तो ये, दूसरी बात ये कि इदारों को वो रोल नहीं है जो होना चाहिए कि वर्कर पुलिस स्टेशन के हवाले से। तो हमारे आम लोगों का भी फिर हमारे यहाँ अवेयरनेस उस तरह नहीं है कि तो माइंस में चूंकि साथी थोड़े बहुत शुरू से हमारे माइंस के हवाले से जो है हमारे पुराने लेबर लीडरान रह चुके हैं, अभी भी हमारे बड़े एक्टिव लोग हैं जो माइंस के हवाले से हमेशा उनकी बात चलती रहती है, तो कुछ ना कुछ जो है वो कवर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे इदारे तो बिल्कुल इससे ओवर है। और अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पूरा बलूचिस्तान फिर हम एक दलदल में फंस जाएंगे। यकीन जानो अभी जो वाकया हुआ था ये जरदारू का, 12 वर्कर शहीद हुए, एक भी बंदा जो है एक वर्कर, उसके अलावा यकीन को बोर्ड वाले जो है 8 लाख रुपए देते हैं, 12 से 14 लाख रुपए। तो आप लोग लेबर जो तंजीमें हैं क्यों नहीं इदारों की तरफ से उनको प्रेशराइज करते हैं लेबर डिपार्टमेंट को, ताकि वो वर्कर्स को जो है रजिस्ट्रेशन करें, जहाँ 10 या 15-20 बंदे वर्कर कर रहे हैं काम, उनकी ओबीआई की कटौती हो, और आप लोग क्यों नहीं इस तरह से? बिल्कुल, एक तो ये बदकिस्मती की बात है कि पिछले कुछ 10 सालों से बलूचिस्तान से वर्कर ई ओबीआई में जो वर्कर का नुमाइंदा होता है वो नहीं है उसी खानी। दूसरी बात ये कि लेबर तंजीमों ने अपने बसात के मुताबिक हमेशा इस पर हमने बात भी रखी है, हमने मीडिया के जरिए उजागर भी किया, हम यूबीआई के दोस्तों से भी मिलते हैं, उनके दफातर भी जाते हैं, और हमने इस पर सियास कोई कंपेन भी की है। हर तंजीम जो है अपने अपनी सरकार पर वो लगे रहते हैं, माइंस के साथ ही बिलखसूस सैफुल्ला साहब वाले रोमा साहब उस्मान साहब लदाबाद की है, तो वो साथी हमेशा लगे होते हैं। लेकिन दूसरे इदारे जो है हम जैसे अभी एक चीज मैं वैसे बताता चलूँ कि मीडिया के साथ ही सबसे ज्यादा यूबीआई नहीं है, वरना मीडिया के जहाँ मीडिया का चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो, वो तब तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती जब तक वो यूबीआई सर्टिफिकेट ना ले। उनकी पहली शर्त दिग्गज चीजों से ये भी है कि आपका वर्कर जो है यूबीआई में रजिस्टर होना चाहिए, ये कानून इसकी शर्त है, तब उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है। तो एक अवेयरनेस भी हमें फैलाना चाहिए, हमें अपनी बसात के मुताबिक बात करनी चाहिए, आप दोस्तों की मदद से भी, और इस पर एक बड़ी कंपेन चलानी चाहिए। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।